जी आपका नाम जानना चाहेंगे और मामला जानना चाहेंगे क्या है, और आपके भाई जो है कई दिनों से लापता है, क्या है पूरा मामला ये सबसे पहले बताइए। मेरा नाम मोटवानी प्रेम प्रकाश, मैं उल्लासनगर पाँच का रहवासी हूँ। मेरा भाई सुनील मोटवानी 22 तारीख से लापता है। उनके ऊपर थोड़ा कुछ लोगों का कर्जा हो गया था और हम लोग ने कर्जा उतारने की बात भी कही थी, उसमें से कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, मेरे भाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मेरा भाई 22 तारीख से लापता है और जिन्होंने पैसा चल दिया है वो लोग ने 3 लाख का 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए चढ़ा दिया है और 5% से लेके 12-12, 15% तक पहुंच गए हैं और एक एक दिन का दंड दंड लगा के हुए भाई। आज का 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपया दंड, 2 दिन का मतलब 5 लाख का, फिर 10,000 रुपया दंड करते करते 7 लाख तक पहुँच गए हैं। हमारे 5 नंबर के ही रहवासी हैं वो लोग। मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे आप सपोर्ट करें, मेरे भाई को ढूंढें। मैंने कंप्लेन किया हुआ है हेल्पलाइन पुलिस स्टेशन 5 नंबर, मैंने कंप्लेन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ मेरा भाई मुझे जल्दी वापस आ जावे, जिनका जिनका और मेरे जल्दी जल्दी मेरा भाई मुझे मिल जावे। और उसने टेंशन में, कुछ लोगों ने उसको मारा भी है, इसलिए टेंशन में वो चला गया है, घर में चिट्ठी छोड़ के गया है। मैंने वो कॉपी चिट्ठी पुलिस स्टेशन में जमा कराई हुई है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई सलामत आ जावे। जिन जिन का पैसा है पुलिस से हम मिलके बात करके उनका थोड़ा थोड़ा करके हम कर्जा चुका देंगे। हमारे को किसी का पैसा खाने का नहीं है, हम देंगे थोड़ा थोड़ा करके देंगे। मैं चाहता हूँ मेरा भाई खाली जल्दी घर आ जावे, फिर हम फिर पुलिस स्टेशन में हम बैठ के बात करेंगे। अभी ज़्यादातर तो मैं भाई के टच में नहीं रहता था, किस किस से पैसा लिया है मुझे तो। गांधी रोड के ऊपर हरेश तलरेजा नामक एक व्यक्ति का पैसा है, जिनके पास हम लोग एक बार हमारी पूरी फैमिली गई हुई थी, उसके बाद बात करने को 15-17 दिन हो गए उसको बात किए हुए। और एक उनका ही मित्र है श्याम मास्टर करके, उनका भी 9,40,000 रुपया कुछ लिख के गए हैं। वो भी बोलता है मैंने दूसरे से लेके दिया, तीसरे से लेके दिया है। मैं बोलता हूँ आपने इतना पैसा दिया किस तौर पर, नहीं देना चाहिए, ये तो हमारे भाई को और हमारे घर को बदनाम कर दिए। और दूसरा भी एक बंदा है, उसका मुझे नाम ध्यान में नहीं आता, तो उसका 35-40 हज़ार रुपया है। और भी 3-4 लोग हैं जिनका थोड़ा थोड़ा करके पैसा है। मैं सबसे विनती करता हूँ हम सबको पैसा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे। मैं इतना चाहता हूँ मेरा भाई सुरक्षित हमारे घर पे आवे। मैं पुलिस से भी हेल्पलाइन पुलिस स्टेशन से भी सपोर्ट मांग के आया हूँ भाई। हम आपके आधार पर ही जैसा आप कहेंगे हम ढूँढेंगे। मेरी गुजारिश है आप जिसको भी मेरे भाई मिले आप ढूँढ के हमारे से संपर्क करें। मामला है जो कि कैंप के वहाँ 5 वर्ष शहर में लगातार बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा ब्याज पे लोग जो है पैसा उठाते हैं। इसके पहले भी कुछ घटनाओं में जो है ये तो दूसरे को ये जो पैसे चलाते हैं दूसरे के बच्चे को बर्बाद करते हैं। इधर बैंक 1% से पैसा नहीं दे रही है, ये लोग 10-10% से पैसा दे रहे हैं। बैंक को सब कुछ अपना स्टेटमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, फिर भी फेल हो जा रहा है। लेकिन ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, 15,000 से स्टार्ट करते हैं, 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है 1 साल के अंदर। और ये नहीं सोचते हैं सामने वाला कमाता कितना है, 20,000-25,000 कमाने वाला आदमी किधर से इतना ब्याज देता है, कैसा करता है। वो दूसरे से पैसा लेके टोपी घुमा, इसका टोपी उसके तौर पे सब ऐसा ही पूरे मेरे भाई के साथ नहीं हो रहा, ये संगठन पूरे उल्लासनगर में चल रही है, 5 नंबर में तो ज़्यादा चल रही है। एक ढूंढो तो 10 का सवाल यही आता है भाई, किसी किसी का कर्जा दिखाई देता है, किसी किसी का कर्जा नहीं दिखाई देता है। और ऐसे मेरा भाई नहीं गायब हुआ, ऐसे बहुत लोग गायब हो गए ना। घर भी पहले गिरवी रखा हुआ था, अभी तो मैंने घर भी अपना बेच दिया है, उसके बाद भी हमको परेशान किया जाता है।